हम लोगों ने अब तक 6,61,217 लोगों का कार्ड बनाया है। अगर मैं ब्लॉक वाइज की बात करूं, तो रफीगंज की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, मात्र 14% हम लोगों ने अचीव किया है, जो 31 जुलाई तक का जो टारगेट दिया गया उसके हिसाब से सबसे अच्छी स्थिति हमारी है वो ब्लॉक की हसपुरा ब्लॉक की, मदनपुर ब्लॉक की 30% से इधर लोगों का कार्ड हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है। क्योंकि इस कार्ड को बन जाने से सभी को पता है कि 5 लाख रुपया का तक का इलाज मुफ्त इलाज की सरकार की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 18 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बनने की संख्या थोड़ी कम हो गई थी, थोड़ा डेटा का इशू था। अब सरकार के द्वारा PDS के माध्यम से जो लोग PDS से जुड़े हुए हैं उसी डेटा को लिया गया और उसी के अनुसार से हम लोग अब आयुष्मान कार्ड लोगों का बना रहे हैं। जितने भी हमारे PDS शॉप्स हैं, लगभग उसकी संख्या 1300 है, तो सभी जगह हमारे VLE वहाँ पर जाकर स्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को कार्ड बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे पंचायत सरकार भवन में हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वहाँ पर बैठ करके वहाँ भी कार्ड बना रहे हैं। इन लोगों को यूजर ID पासवर्ड का डिमांड हम लोगों ने किया है, अभी फिलहाल मिला नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास और अदर ऑप्शंस होता है, बेनिफिशियरी के माध्यम से हम लोग उनका कार्ड बनवा रहे हैं। संख्या काफ़ी अच्छी भी चल रही है। जो हमें टारगेट दिया गया है, हमारे पास कुल फैमिली जो हैं 3,26,689 हैं, 3,26,689, और फैमिली के ख्याल से अगर हम कहें तो 87% फैमिली का 2,82,714 लोगों का कार्ड बनाया गया है। लेकिन सरकार की योजना है कि इंडिविजुअली कार्ड हमें बनाने हैं, तो इंडिविजुअल हमारे पास जो इसके बेनिफिशियरीज हैं वो 18,80,330 है। हम लोगों ने अब तक 6,61,217 लोगों का कार्ड बनाया है, जो कि 35% मात्र होता है। अभी जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसमें जो हमारी जो स्थिति है वो हम लोगों को टारगेट दिया जो गया है इस 18 से 31 जुलाई तक के लिए, वो टारगेट हमको दिया गया है 6,50,839 का, आउट ऑफ 18,80,330 का। हम लोग का अचीवमेंट अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अभी जो कार्ड बना लिया है वो है हमारा 2,45,898, ये हमारा अभी बैलेंस बनाया जाना बाकी है। लगभग 18,915 का टारगेट हमारा पर डे का बनता है। धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधर रही है, अब आज की स्थिति में है कि हम 13,000 से ज़्यादा कार्ड आज बना पा रहे हैं। कल हमारा 11,000 से ज़्यादा कार्ड बना था। जो हमारे VLEs होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो पा रही है, वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, पहले 100 से 150, 200, 300 इस टाइप से उनकी संख्या बढ़ी है। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारा कार्ड बढ़ने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ब्लॉक वाइज की बात करूँ तो रफीगंज की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, मात्र 14% हम लोगों ने अचीव किया है, जो 31 जुलाई तक का जो टारगेट दिया गया उसके हिसाब से सबसे अच्छी स्थिति हमारी है गो ब्लॉक की हसपुरा ब्लॉक की, मदनपुर ब्लॉक की 30% से इधर लोगों का कार्ड हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है। तो एज पर टारगेट में बात करूँ ये जो अभियान है उसका, तो लगभग 25% ही हम अभी तक अचीव कर पाए हैं, लेकिन हमारी ये संख्या बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा एक सप्ताह के लिए इस अभियान को और एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 7 अगस्त तक हम लोग इस विशेष अभियान को चलाएंगे। तो हम लोग ये भी पा रहे हैं कि बहुत जगह हमारा ऐसा है पंचायत और वार्ड जहाँ पर सैचुरेट हो चुका है, इसलिए फिर हम लोग धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। हमारे जो VLEs हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, डिफरेंट जगहों पर जा करके जहाँ पर लोगों का कार्ड कम बना है वहाँ पर मूव करते हैं, फिर वहाँ पर लोगों का हम लोग कार्ड बनवाते हैं। इसके लिए हमारे पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि जो हमारे डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, हमारे BDO, CU, BPROs, हमारी CDPOs, उनके पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका होती हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का BCM है, उनके पास आशा कार्यकर्ता की लंबी टीम होती है, हमारी जीविका दीदियाँ हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इन लोगों का काम होता है कि बेनिफिशियरीज को
जो सेंटर हमारा जो शिविर जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर लोग इससे बेनिफिशरीज को लाते हैं और सबका कार्ड हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। चूँकि इस कार्ड को बन जाने से सभी को पता है कि 5 लाख रुपया का तक का इलाज मुफ्त इलाज की सरकार की व्यवस्था की गई है, इसलिए जितने भी हमारे पीडीए से जुड़े हुए लोग हैं वे अधिकांशतः लाभुक वैसे होते हैं जिनको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा भी हमारे पास लाभुक हैं जो कि हमारे मनरेगा में लोग लगे हुए हैं या हमारे सुपरवाइजरी रैंक के लोग भी होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं या हमारे लेबर क्लास के भी लोग होते हैं जिनका कार्ड नहीं बन पाया है लेकिन वो उनके पास पीडीएस का राशन कार्ड नहीं है तो वैसे लोग भी वंचित हैं, तो वैसे लोगों को भी हम लोगों ने जोड़ा है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट पहले 16.5 लाख के आसपास था, चूँकि पीडीएस का जो हमारा डेटा है वो 16.5 लाख है, तो अभी जो डेटा जो मेरा रिवाइज हो गया 18 लाख समथिंग 80,000 वो उन कारणों से भी हो गया है कि वैसे लोग भी हैं जिनके पास पीडीएस कार्ड नहीं है। तो हम लोग का प्रयास है कि जो टाइम हमें दिया गया है, जो विशेष अभियान चल रहा है हमारा, उस विशेष अभियान में टारगेट को हम अचीव करें। अभी जो हम 25% पर हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगला वीक में, चूँकि विलेज की संख्या हमारे दिन पर दिन बढ़ रही है, कुछ इशूज थे उनके उनके इशू को भी रिजॉल्व किया जा रहा है विभाग के द्वारा भी हमारे स्तर से भी, तो संख्या बढ़ेगी तो हमारा आयुष्मान कार्ड का टारगेट भी हम लोग अचीव करने की स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। फर्स्ट जो चला था हम लोग का फेस कि 31 जुलाई तक इसको करना है, क्योंकि चूँकि संख्या भी कुछ इशूज आ रहे थे इसलिए इसको एक सप्ताह के लिए और एक्सटेंड किया गया है। अभी 7 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। हाँ, खेती में काफ़ी लोग, हाँ जी कुछ कारण वो भी है जिसके कारण से लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग रोपनी में लगे हुए हैं, एक वजह वो भी बनती है जिसके कारण संख्या थोड़ी कम हो पा रही है। नहीं, तो वही मैं बताया कि जो पहला जो मैं टारगेट था वो 16.5 लाख के आसपास था, क्योंकि हमारे पीडीएस में उतने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं 18,80,000 के जो मैं बात बताया आपको तो उसमें अब वैसे लोग जुड़ गए जिनके पास पीडीएस का कार्ड नहीं था, इसलिए मेरी संख्या रिवाइज हो गई है, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने टारगेट किया है, उनका भी हम कार्ड बनाएंगे। उसके अलावा हमारा पंचायत सरकार भवन, हाँ, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स हैं 180 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हमारे हैं जो कि इस काम में लगे हुए हैं, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। सभी पंचायत सरकार भवन में 22 जगह हमारा है जहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं है, तो वो उसको हम लोगों ने मर्ज किया है, वो लोग उनको बीच के जगह पर ही बुला करके हम उनका भी कार्ड बनवा दे रहे हैं। नहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों को जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर शिविर लगाने की जरूरत है वैसे जगहों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि शिविर हम अपने आप रोटेट कर रहे हैं, कई जगह जहाँ पर हमारा सैचुरेट हो गया तो वहाँ से शिविर हम लोग शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो फिर वैसे जगहों पर हम लोग शिविर को ले जा रहे हैं जहाँ पर उनकी आवश्यकता है। वो आधार कार्ड के माध्यम से उनका बनेगा। नहीं, आई प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड से।